हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक 3 रुपए के करीब की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल पर चले तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में 3% से भी ऊपर की रैली देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने में इस स्टॉक में 1.5% के करीब की तेजी देखने को मिली है और 6 महीने में इस स्टॉक में 36% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर स्टॉक का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में आप निचले लेवल पर एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस स्टॉक में नीचे का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, 142 रुपए। 142 रुपए इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में देखें तो पीछे के 2 दिनों से एक अच्छी रैली देखने को मिली है, तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 142 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 200 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 155 रुपए की छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 165 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।